हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। एक बार फिर से मैं आ गया हूँ एक नया ब्लॉग लेके। तो आज के इस वीडियो में मेरे साथ है मेरा मित्र गौरव, जो आज मेरे साथ यहाँ पे आया है। और आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को एक स्पेशल जगह लेके चलने वाला हूँ। जैसा कि मेरा एक मित्र है विनीत, जो हमेशा कहता रहता है कि मैं जो ये मुग़ल कालीन मोन्यूमेंट्स हैं इनके ही वीडियोज़ क्यों बनाता हूँ, हिंदुओं से रिलेटेड आध्यात्मिक जो मोन्यूमेंट्स हैं उनके वीडियोज़ क्यों नहीं। तो मैं आज उसके लिए ही आया हूँ बरनामा में, जो कि उत्तर प्रदेश के बागपत ज़िले में बिनौली खंड के नज़दीक पड़ता है। और यहीं पर ही स्थित है बहुत ही प्राचीन लाक्षा ग्रह, जो जिसका पुराणों में भी काफ़ी बार जिक्र होता है, जो कि महाभारत काल के समय का एक मोन्यूमेंट्स है। तो चलिए आज इसी लाक्षा ग्रह से आपको रूबरू कराते हैं। तो दोस्तों, अभी हम जिस जगह पे जा रहे हैं, सबसे पहले मैं आपको इसके बारे में विस्तार से बता दूं। बरनावा, जो कि मेरठ से लगभग 35 किलोमीटर की दूरी पर बागपत जिले में स्थित एक तहसील है, और इसकी स्थापना यहाँ पर राजा अहिरण ने बहुत समय पूर्व की थी। यहाँ पर दोस्तों महाभारत कालीन लाक्षा ग्रह को चिन्हित किया गया है। लाक्षा ग्रह नामक इमारत के अवशेष यहाँ आज एक टीले के रूप में दिखाई देते हैं। और कहा जाता है कि महाभारत काल में कौरव भाइयों ने पांडवों को इस महल में रहने के लिए स्थान दिया था, और फिर यहीं पर उनको जला के मारने की विफल योजना बनाई थी। लेकिन पांडवों के शुभचिंतकों ने उनको सूचित कर दिया था और सभी पांडव यहाँ से सुरक्षित निकल गए थे। अभी आप जो मेरे पीछे द्वार देख रहे हैं, यह लाक्षा ग्रह का दूसरा द्वार है। पहले द्वार से हमने यहाँ पे एंट्री की थी। आज के समय में इसको जवाहरलाल नेहरू गांधी धाम द्वार के नाम से जाना जाता है। तो अभी हम थोड़ा नीचे चलते हैं। यहाँ पे बताया जाता है कि छोटे छोटे झरने पानी वगैरह आता रहता है इधर से, और आगे कुछ सीढ़ियाँ वगैरह थी जो समय के साथ साथ पूर्णतः समाप्त हो चुकी है। बस उनके अवशेष ही वहाँ पे बचे हुए हैं। तो जैसा कि मैंने अभी बताया कि यहाँ पर पांडवों को जलाकर मारने का षड्यंत्र रचा गया था, लेकिन सभी पांडव यहाँ से गुप्त सुरंग के द्वारा बाहर निकल गए थे। यह सुरंग जो आज भी यहाँ पर देखी जा सकती है, जो कि हिंडन नदी के किनारे पर खुलती है। अभी आप देखिए, जो मैं जिन सीढ़ियों के बारे में जिक्र कर रहा था, ये उन्ही सीढ़ियों के अवशेष बचे हुए हैं। लेकिन अभी यहाँ पे सभी चीज़ें खंडर में तब्दील हो चुकी हैं। आप ऊपर देख सकते हैं, जो छोटे छोटे यहाँ पे मोन्यूमेंट्स वगैरह बने थे वो अब खंडर बन चुके हैं पूरी तरह से। तो दोस्तों, अभी यहाँ पर खंडर में तब्दील हो चुकी पहाड़ियाँ, और यहाँ पर बने एक विशेष लाख मंडप पर लेकर आपको चलते हैं, इसी जवाहरलाल नेहरू गांधी धाम द्वार के साथ। तो चलिए दौड़िए मेरे साथ। तो दोस्तों, अभी हम जिस लाख के मंडप पर आपको लेकर जा रहे हैं, यहीं पर कौरव भाइयों ने लाख के महल का निर्माण कराया था, जो कि आज के समय में पूर्णतः समाप्त हो चुका है। इसी महल के नीचे से गुप्त सुरंग का निर्माण हुआ था, और सभी पांडव जलते हुए लाख के महल से इसी सुरंग के जरिए बाहर आ गए थे। और दोस्तों, एक रोचक तथ्य है इस जगह के बारे में, मैं आपको और बता दूँ। यहाँ पर दो नदियों का, कृष्णा नदी और हिंड नदी का मिलन भी ठीक सुरंग के सामने होता है। अभी आप सामने जो मोन्यूमेंट्स देख रहे हैं, यही लाख मंडप है। यहाँ पे बैठ के सभाएं होती थी। बताते हैं कि महाभारत के समय जब पांडव गुप्त वास पर थे, तो उन्होंने दुर्योधन से 5 गांवों की मांग की थी, जिनमें निम्न पानीपत, सोनीपत, बागपत, तिलपत और वरुपत, यानी कि बरनावा। इन 5 गांव की मांग की थी, और इसका प्रस्ताव लेकर श्री कृष्ण यहां पर आए थे। लेकिन दुर्योधन ने इसी इलाके के मंडप पर यह कह के उनका अपमान किया था कि बिना युद्ध के उन्हें सुई की नोक के बराबर भी जगह नहीं मिलेगी। सो गाइस, ये यहाँ पे बरनावा की सबसे ऊंची चोटी है। यहाँ से आप आके बरनावा का पूरा दर्शन कर सकते हैं। हालांकि एक छोटा सा गांव बरनावा है।
दोस्तों, वर्णावा के लाक्ष्य ग्रह को ASI द्वारा संरक्षित किया गया है और यहाँ पर प्राचीन काल के अवशेष आज भी मौजूद हैं। ASI के निर्देश में कुछ दिनों पहले अपनी पहचान खो रहे इस संरक्षित क्षेत्र की चार दीवारी का निर्माण और गुम्बदनुमा अवशेष को नक्काशी कर पत्थर लगा के बहुत ही अच्छी तरह संवारा गया है। लगभग 24 लाख रुपए से इसका जीर्णोद्धार हुआ है। तो गाइस, अभी हम चल रहे हैं थोड़ा आगे, जिस साइड में यहाँ की जो गुफाएं हैं उस गुफाओं की साइड में हम आपको लेकर चलने वाले हैं। रास्ता बहुत ही कंक्रीट भरा और काफ़ी पतला रास्ता है। अभी मेरा दोस्त भी मेरे साथ है, हाय करो। ये देखिए, अभी देखिए मैं आपको रास्ता दिखाता हूँ। गाइस अभी यहाँ पे कुछ नहीं बचा है, सब कुछ खत्म हो चुका है। और ये एक जो केव है, ये मैं आपको थोड़ा अंदर लेके चलने की कोशिश करता हूँ। काफी लाला जी, तुम दिखाना लाला जी, चढ़ा के कुछ होगा तो नहीं खड़ा इसमें? अंदर जाके गाइस, अभी आप देख सकते हैं मैं आगे जाना। अगर अंदर कुछ हुआ तो भाग भी नहीं पाएंगे। अच्छा गाइस, मुझे यहाँ पे डर लग रहा है काफी। अभी मैं यहाँ से आगे जाने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन जा नहीं सकता। देखिए पीछे से काफी मुड़ा हुआ है, आप मेरे पीछे देख सकते हैं। अभी हमारे सेठ जी भी हमारे साथ हैं। देखिए यहाँ पे काफी अंधेरा है और डर भी बहुत लग रहा है, मच्छर भी है। गुफा में 10-15 मीटर अंदर जाने पर बहुत ही अंधेरा होने लगता है और सांस लेने में भी तकलीफ होने लगती है। जब लाख के महल में आग लगाई गई थी तो उसके कुछ निशान अब भी इस गुफा में दिखाई देते हैं। और हम दोनों की सांसें थोड़ा यहाँ पे दब रही है। अभी इससे आगे हम नहीं जाने वाले, तो अभी हम पीछे हो लेते हैं। तो गाइस, ये इतनी नाटी गुफा बनाई गई है, इसकी हाइट बहुत
अब हो गया, ज्यादा नहीं है। समय के साथ इसमें बदलाव आ रहे हैं, समय के साथ साथ यहाँ पे चेंजेस आ रहे हैं। पहले एक आदमी आसानी के साथ जा सकता था, लेकिन पानी वानी की वजह से जो मिट्टी आप देख रहे हैं काफी ऊंची हो चुकी है। तो अभी हम इस पहले वाली गुफा से बाहर आ चुके हैं। अभी एक गुफा सामने की तरफ भी है, उसमें भी हम जाके देखेंगे वो कितनी गहरी है, कितने अंदर तक वो जाती है। तो चलिए अभी वहाँ पे आपको लेके चलते हैं। सामने वाली गुफा में भी हम आ चुके हैं। यहाँ पे बहुत सारे मच्छर आपको दिखाई दे रहे होंगे, और ये ऊपर से टूटी फूटी भी काफ़ी है। 3-4 मोड़ के बाद इस गुफा का एंड हो जाता है। मुझे नहीं लगता ये गुफा निकलने के लिए बनाई होगी, ये ऐसे ही बना दी शायद। गाइज, तो आज की हमारी यात्रा को यहीं ख़त्म करते हैं, आज के इस ब्लॉग को यहीं पे समाप्त करते हैं। लेकिन मैं आप सभी को बता दूं, अगर आप सभी ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारे वीडियोस के जो नोटिफिकेशन हैं सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी वर भाई, कमेंट में ज़रूर बताएं, और हमारी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। तो आज के लिए इतना ही, टाटा गुड बाय, चलते हैं अपने घर की तरफ। आप भी थोड़ा रेस्ट कीजिए।